क्या हुआ मधु? क्या हुआ मधु? क्या हुआ? क्या हुआ मधु? रो क्यों रही हो? क्या हुआ मधु? क्या हुआ? बोला क्या हुआ मधु? बोलो क्या हुआ? हर रोज जब मैं ऑफिस जाती हूँ तब उस बस स्टैंड पर एक लड़कों का ग्रुप देख के तेरी जवानी दिल मेरा धक धक करता जाता है। लेकिन इस बात को लेकर मैंने कभी बेजिक्र नहीं किया। लेकिन उस दिन उन लड़कों ने उस लड़की के साथ फू लोफर कहीं के बदतमीज, घर में माँ बहन नहीं है लगता है। दुपट्टा दे। अरे ऐसे कैसे चली जाएगी? हाथ तो पहुँचने दे। मैंने पुलिस में कंप्लेन कर दी तो पता है ना क्या होगा? तो मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो जुबान ज्यादा चल रही तेरी, समझती क्या है तू? ए शुरू करो। छोड़ो, और जब हाथ पहुँचो तो इसके कपड़ों से अच्छे से पहुँचना। छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो, छोड़ दो, छोड़ो। हटाओ। लोफर, उसी वजह से उन लोगों ने मुझे और मेरे कलीग रघु को बस स्टैंड पर देख तो जरा, बस स्टैंड पर खड़े होकर रोमांस कर रहे हैं, हमारे देश की संस्कृति को भ्रष्ट कर रहे हैं। कौन हो तुम लोग? तेरी तो इधर तो ज्यादा फड़फड़ा मत, रिकॉर्ड कर रहे। ये आप लोग क्या कर रहे? देखो फ्रेंड्स, इन दोनों के चेहरों को देखो, ये हमारे देश की संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं। अगर ये लोग तुम्हारे एरिया में दिख जाएं तो क्या करोगे? चप्पल से मारना, चप्पल से, चप्पल से मारना। बताता हूँ तुझे अभी, चल दिखाओ वो कौन है मुझे। फूल, 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 फूल। अरे नालायक, क्यों बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? क्यों रे बुढ़ाओ, फर्स्ट नाइट के लिए फूल बेच रहा है क्या? क्या हुआ बेटा, फूल क्यों खराब कर रहे हो? क्या गुरु, ये बुड्ढा तो तुमको बेटा बोल रहा है। ये बता बुड़ाऊ, मेरे जैसे लड़के को पैदा करने की ताकत है तुझ में? Oh!
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवतः यतैनास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्तत्र फलः क्रियः। अबे क्या सोच रहा है? सिगरेट जला। देखो यार कैसी है गाड़ी? क्या गुरु लॉटरी लग गई क्या? लॉटरी नहीं लगी है भाई, एक सेठ की बेटी को पटाया है, उसी ने दिलवाई है। धर्मा तू नई गाड़ी कब लेने वाला है यार? उसका टाइम आएगा तब वो ले लेगा, तू जाना। टाइम ऐसे नहीं आने वाला है दोस्त, खुद को क्रिएट करना पड़ता है, पैसे ना हो तो दिमाग चलाना पड़ता है। धर्मा किसी अमीर लड़की को पटाना गुरु, और उसके पैसों से ऐश कर, इजीली पटा सकते हैं। एक बार अगर लड़की पट गई ना तो पूरी लाइफ सेट हो जाती है, सोच कर देख ना यार। अबे तेरी भाई लड़कियों के पैसों से शादी करना मुझे सिखा था क्या? ये कैसे कहता है लड़कियों के पैसे से सेटल हो सकते हैं? क्या समझ कर रखा है तूने? रुक जा भाई, क्या कर रहे हो भाई? शांत हो जा यहां पे। धर्मा बेटा हाथ पैर धो ले, मैं खाना लगाती हूं। भूख नहीं है मुझे। तेरा पसंदीदा पुलाव बनाया है मैंने, थोड़ा सा तो खा ले। सोना नहा लिया क्या तुमने? कान फाड़ अरे के लाल वाली चूड़ी मत पहन, तू पहले से ही लाल है। ब्लू पहन और एक टाइट वाला पैंट पहनना। अरे सोना बस में नहीं बाबू, फॉर्च्यूनर में जाएंगे ना, अगले शुक्रवार को बेंस आएगा। हाँ तुझे और पूजा को लेकर जाऊंगा ना सोना। सोना चल, क्या कर रहे हो भाई? कंडक्टर स्टॉप। बड़ी मुश्किल से लड़की पटाई थी मैंने और इसने फोन फेंक दिया। यार इतना सही कहा बे, काम कर रहा है। पूरी तरह से बदल गया। हाय। बाप रे क्या सर? काम पसंद नहीं है फिर भी पूरे दिल से काम कर रहा है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए काम तो करना ही पड़ता है और इसे ही जीवन शैली कहते हैं। मैं हुचप्पा हूँ। डरो मत, सिर्फ नाम का। अच्छा। हमारे यहाँ ऐसे कॉमन नाम होते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तुम्हारा क्या नाम है? धर्मा। देखो धर्मा, अगर तुम्हें ये काम पसंद नहीं है तो अभी छोड़ दो, नहीं तो इसमें फंस जाओगे तुम मेरी तरह। मतलब आपको भी पसंद नहीं था क्या? मेरा लक्ष्य कुछ और था। क्या सर? तुम भरोसा नहीं करोगे। नहीं नहीं बोलिए आप। मैं हीरो बनना चाहता था। क्यों 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 ये रिएक्शन क्यों? अरे कुछ तुम्हें लगता है मैं हीरो नहीं बन सकता? आप बन सकते हो। स्मार्ट नहीं हूँ क्या? अरे आप हो हीरो तो फिर हंस क्यों रहे हो? दीदी सर, अरे जाने दीजिए ना सर, मैं हीरो नहीं बन सकता, स्मार्ट नहीं लगता हूँ। अरे बिल्कुल आप हीरो हो सर, आप हीरो हो। रुक अभी प्रूव करता हूँ, तुम बोलो ना, दिखने में अच्छा नहीं हूँ क्या? मेंढक की तरह है और कह रहा है हीरो बनेगा, हीरो। ऐसे लोगों से पूछना ही नहीं चाहिए, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। सच है ऊंचा भाई, सच है। देखो भाई देखो, मेरी हालत देख, कमिटमेंट की वजह से सपनों को छोड़कर काम पर लग गया और अभी काम ही कमिटमेंट बन गया। तू मेरे जैसा मत बन, मेरे जैसा मत बन, जा ये काम छोड़कर चला जा।